हेलो गाइस, मैं केशव शर्मा, आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज गोट टैलेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियाज गोट टैलेंट के ऑडिशंस और रजिस्ट्रेशन 2021 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखना। कलर्स चैनल विल बी ब्रिंगिंग अ बैक अ पॉपुलर रियलिटी शो इंडियाज गोट टैलेंट। ये गाइस जल्दी आपको देखने को मिलेगा अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। तो इसके कॉम्पिटिशंस के रजिस्ट्रेशन, इसके ऑडिशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस पॉपुलर टैलेंटेड बेस्ड शो के अंदर, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। इसके पुराने सीजन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं और कलर्स टीवी पे फिर से ये शो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इंडियाज गोट टैलेंट है जो वो बेस है ब्रिटेन गोट टैलेंट्स को लेकर। तो इसके पुराने जो सीजन थे उसके अंदर करण जौहर, किरण खेर एंड मलिका अरोरा जैसे काफी फेमस जजेस आपको देखे होंगे। अब देखने पे ये बनता है कि भाई आने वाले टाइम में इसके जजेस कौन होंगे। फिलहाल अभी कोई ऐसी अपडेट है नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप इस अपकमिंग सीजन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि भाई इंडियाज गोट टैलेंट 2021 में इस बार मैं अपना परफॉर्मेंस कर सकूं, अपना टैलेंट शो करा सकूं, तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखना ताकि मैं आपको बता सकूं कैसे आप इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गाइज एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बाद जानेंगे कुछ और बातें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आप इंडिया के हैं तो डेफिनेटली आप इस शो के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इंडियन होना कंपलसरी है। दूसरा, पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो पासपोर्ट हो या आपका पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कुछ भी हो सकता है, वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा गाइस, पार्टिसिपेट का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो उसको पार्टिसिपेट से निकाल दिया जाएगा। दूसरा गाइस, पार्टिसिपेट मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए और उसी के साथ इंडिया गोट टैलेंट की जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस है उसको वो सभी अलाउ करनी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी पार्टिसिपेट थर्ड पार्टी के थ्रू एंटर करता है तो उसको उस शो के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अब कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो बता दिया। तो चलिए अब जान लेते हैं इंडियाज गोट टैलेंट 2021 का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डिटेल क्या है। गाइस एक बात और बता देना चाहता हूं मैं इंडियाज गोट टैलेंट 2021 के बारे में। अगर आप वास्तव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, जब सीजन 7 चल रहा था या सीजन 8 चल रहा था तो आप सिंपली रजिस्टर कर सकते थे, यानी कि igtaudition@gmail.com पे, या फिर एक नंबर था जैसे कि 1800123055। ये दो चीजें, एक नंबर और एक ईमेल, इन दोनों के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट करना होता है, इनसे बात करनी होती थी और आपको ये बताते थे कैसे आपको ऑडिशन देना है। बट कोविड सिचुएशन की वजह से आपका वो सीजन हो नहीं पाया था, मतलब जो नेक्स्ट सीजन है इसके अंदर कोई मेल या फिर कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिला था। बट हो सकता है 2021 के अंदर आपको IGT यानी इंडियाज गोट टैलेंट audition@gmail.com के ऊपर आपको अपना ही पूरा का पूरा डिटेल्स, आपको अपनी पूरी वीडियो भेजनी पड़े, या फिर 1800123055 के ऊपर आपको कॉल करके पता करना पड़े कि भाई कैसे मुझे ऑडिशन देना है। जब सीजन 7 था, जबकि अपडेट है, बट अभी देखना बनता है भाई 2021 में ये नंबर चेंज होता है या फिर नहीं होता, या फिर ये ईमेल आईडी चेंज होती है या फिर नहीं होती, इसके बारे में अभी मैं कोई अपडेट नहीं बोलना चाहूंगा। जितनी भी अपडेट्स मैं दे रहा हूं गाइस ये अनऑफिशियली है, मतलब कोई ऑफिशियली अपडेट मैं इसको नहीं बोलूंगा। तो गाइज आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है 2021 का इंडियाज गोट टैलेंट के अंदर, तो सबसे पहले आपको www.woo.com/registration पे जाना होगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अभी शायद हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन का बटन ना दिखे, बट ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आपको जल्द ही आपको इसका रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। तो गाइज www.woo.com वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं या फिर वूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपको सिंपली जैसी रजिस्ट्रेशन का बटन आपको दिखता है तो आपको क्लिक करना है और अपना नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपको फिल कर देना है। ये सब कुछ फिल करने के बाद आपको एक अपनी ऑडिशन वीडियो परफॉर्म करनी है। वीडियो का जो साइज है वो 50 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वीडियो आप MPG, MPEG, AVI, MP4 या MOV फॉर्मेट में बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको जो वीडियो बना
बनाएंगे वो आप अपने एक्सपेरिमेंट की वीडियो ही बनाना, छोटी सी क्लिप, आपको एक नमूना दिखाना है कि भाई आप करने क्या वाले हैं उस शो के अंदर। तो ये वीडियो आपको बनानी है और ये वीडियो उस फॉर्म के साथ ही आपको अटैच करके डाल देनी है। अपलोड करने के बाद आपको कुछ टर्म्स और कंडीशंस होंगी, उस पर टिक करना है। जैसे आप टिक कर देते हैं तो आपको बुलाया जाता है, इंडियाज गॉट टैलेंट की जो ऑफिशियल टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करती है और आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। ऑडिशन के अंदर आपको अपना वही एक्सपेरिमेंट दिखाना है और उसके बाद आपको पूरे शो के ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है अपना टैलेंट। ये है गाइस एक छोटा सा प्रोसेस जिसके थ्रू आप इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट 2021 के ऑडिशंस कौन कौन से प्लेसेस में आपके इस बार होने के चांसेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया यार कोविड सिचुएशन खत्म हो गई तो आपके ऑडिशंस भी आपके हो सकते हैं इस बार इंडियाज गॉट टैलेंट के। तो चलिए बात करते हैं वो मेजर सिटीज कौन कौन सी हैं। ये हमारा एक प्रेडिक्शन है क्योंकि काफी सालों से हम वीडियोस बनाते आ रहे हैं तो हमें अंदाजा लग गया है कि भाई इन जगहों पर आपके ऑडिशंस हो सकते हैं और जो पिछले ऑडिशंस हुए थे वो भी इन्हीं जगहों पे हुए थे। तो जिनमें से सबसे नंबर वन पे सिटी आती है वो जयपुर, उसके बाद आता है आपका इंदौर, आपका उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है मैंगलोरो, चंडीगढ़, रायपुर, फिर बैंगलोर, अमृतसर, रांची और हैदराबाद काफ़ी फेमस है और हर बार की तरह इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। जम्मू के अंदर भी आपका ऑडिशंस हो सकते हैं, इसी के साथ भुवनेश्वर हो गया, चेन्नई हो गया, इन जगहों पर भी आपके चांसेस हैं इस बार ऑडिशन होने के। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई तो आपके हमेशा से हर ऑडिशंस आपको देखने को मिलेंगे इन प्लेसेस पे। पुणे, लखनऊ और गुवाहाटी ये भी गाइस काफ़ी फेमस सिटीज़ हैं जहाँ पर आपके ऑडिशंस होते ही रहते हैं। तो गाइस ये सभी वो स्टेट सिटीज हैं जो कि आपके ऑडिशंस होते हैं और मोस्टली गुवाहाटी के अंदर और मुंबई के अंदर और दिल्ली के अंदर और कोलकाता के अंदर और इसी के साथ एक और बताता हूं मैं आपको बैंगलोर के अंदर, इन जगहों पर तो आपको मोस्टली हर शो के ऑडिशंस देखने को मिलेंगे। तो इन जगहों पर कौन, मतलब जयपुर हो गया, जयपुर के अंदर किस जगह के अंदर होंगे ऑडिशन, वो कौन सा एग्जैक्ट प्लेस है, वो डेट कौन सी है, ये सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। वो हम आपको जल्दी अपडेट भी कर देंगे और भी बहुत छोटी छोटी अपडेट्स हैं। जैसे जो भी कैंडिडेट रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो ईमेल के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं और एसएमएस के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपको एमएमएस के अंदर आपको अपनी वीडियो परफॉर्म करके देनी होगी और एसएमएस कर देना होगा IGT 56882 के ऊपर। ऐसी और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूंगा भाई इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। तो ये चैनल पे आपको सबसे पहले हर शो की वीडियो देखने को मिलेगी, चाहे वो सिंगिंग से रिलेटेड कोई शो हो, चाहे वो डांसिंग से रिलेटेड कोई शो हो, चाहे वो रियलिटी बेस्ड रिलेटेड कोई शो हो, चाहे आपका हॉलीवुड बॉलीवुड किसी भी तरह की कोई एंट्री निकल रही हो, रजिस्ट्रेशन निकल रहे हो, तो हमारे चैनल पे आपको वो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो हम आपको इस तरह की अपडेट्स देते रहते हैं, बताते रहते हैं कैसे भाई आप इस तरह के शोज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत जबरदस्त साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें बताइए अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। तो इस तरह की वीडियोस में बनाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में। तो गाइस मिलता हूं मैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।